बालको प्रबंधन ने प्राथमिक उपचार पर सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत बालको के कर्मचारियों और अधिकारियों ने विभिन्न दुर्घटनाओं और बीमारियों से प्रभावित लोगों को दर्द और संक्रमण से निजात दिलाने और उनकी सहायता के तरीके सीखे। इस कार्यशाला का संचालन मुंबई के सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के विशेषज्ञों ने किया था। बालको प्रबंधन ने प्राथमिक उपचार पर सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया। मुंबई के सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बालको के औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एलुमिना प्रमुख डॉक्टर पी के एन राघवन ने किया। इस अवसर पर बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। बालको लर्निंग सेंटर में आयोजित कार्यशाला में बालको के औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एलुमिना प्रमुख डॉक्टर पी के एन राघवन ने कहा कि इससे बालको के अधिकारी और कर्मचारी आपातकालीन परिस्थितियों में दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम हो सकेंगे। As what they are living in an industrialized world, we always want to be 100% safe. That's our motto. 100% safe walking is the motto of ours. But stray incidents, one or two, normally happens. Accidents do happen. See, in physics, what they say is there cannot be a perfect black body, right? There cannot be 100% reflection. There cannot be 100% absorption. Similarly, see, always though we wish that the safety should be 100% everywhere, there can be stray incidences here and there. The first aid is the one where you people will take care of the persons injured so that further injury doesn't happen. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने कहा कि प्राथमिक उपचार का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अस्पताल बाद में पहुंचता है जबकि उसे उचित ढंग से उपचार देने की आवश्यकता तत्काल होती है। How to handle an injured person is very important for the health point of view. It changes the way life of the person, treatment of the person, depending upon how he is brought to the hospital. Hospital is the secondary place where he is brought to. First, whosoever sees him first, they try to deal, they try to move the patient first. And this is the movement of the patient, the first treatment of the patient, which is very important, which is very life-saving also. सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के डॉक्टर जी एच कुलकर्णी ने कहा कि सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बालको प्रबंधन अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। डेफिनेटली अच्छे हो तो उनकी जो नींव है सेफ्टी सुरक्षा क्योंकि उसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते। इफ एवरी डे समथिंग हैपेंस यू आर कॉट अप यू आर इन ट्रबल आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हमारा शरीर भगवान ने दिया है एक बार के लिए उसी को अगर हम खो देंगे विल नॉट अचीव एनीथिंग विल लूज द पार्ट्स और हमारा पार्ट्स भी जो है एक बार के लिए। इसलिए मैं बालको का डेफिनेटली आभारी हूँ। हमारी जो संस्था है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जिसने डॉक्टर इस्मा भी शुरू किया था उसका कार्य अभी भी चल रहा है। डॉक्टर कुलकर्णी और एसडी रिजबूत ने प्रतिभागियों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने, स्ट्रक्चर के अभाव में पीड़ितों को उठाने की विधियों और एम्बुलेंस में मौजूद विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी। परीक्षण के लिए बालको अस्पताल के अत्याधुनिक ट्रामा एम्बुलेंस का उपयोग किया गया। बालको के इस आयोजन से लगभग 175 कर्मचारी और अधिकारी लाभान्वित हुए। आप मंगता है स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चा रहेगा थोड़ा कम दबाव, बड़ा रहेगा तो पूरा दबाव। दोनों हाथ से ऐसा उधर पकड़ो, इधर ऐसे पकड़ो।
इधर पकड़ो ऐसा, हाँ आप इधर बीच में खड़े हो, हाँ उसके उठाओ बेटा, आप ये साइड में आओ, नीचे पैर उठाओ, आप इधर बीच में उठाओ, और आप भी आइए इधर लास्ट में पैर उठाओ, उठाओ अभी पेशेंट सब लोग उठाओ, हाँ और ऐसे हाथ डालो सब जगह, ले जाओ। इसको कहते हैं फोर हैंड मेथड, फोर हैंड राइट। इसमें एक फर्स्ट पहला ऐसे पकड़े, फिर आप सामने वाले का हाथ पकड़े, फिर आप अपना खुद हाथ पकड़ो और फिर सामने, इसके बीच में जगह नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट। हाँ अंगूठा नीचे उंगलियां ऊपर, तो करके दिखाओ, करके दिखा दो आप आपस में, ओके। अभी आप कंधे पे हाथ डालो, ये पे बताओ